2 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि डाउटफुल है वहां पे रविंद्र जडेजा और हो सकता है कि शायद दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले आपको वो बाहर होते हुए दिखें और उनकी जगह हो सकता है किसी स्पिनर को या तो किसी एक बल्लेबाज को वहां पे शामिल किया जा सकता है। और पहले मुकाबले में जो हालत रही भारतीय टीम की, बदलाव दूसरे टेस्ट मुकाबले में तो दिख रहा था क्योंकि अगर आप देखें कि दूसरे दिन तक भारतीय टीम बिल्कुल आगे ड्राइविंग सीट पे लग रही थी, लेकिन उसके बाद एक शतकीय पारी ओली पोप की तरफ से वहां पे भारतीय टीम पिछड़ जाती है मुकाबले में। हो सकता है कि दूसरे मुकाबले में आपको बदलाव दिखे, लेकिन ये फोर्सफुल चेंज हो सकता है कि रविंद्र जडेजा हैमस्ट्रिंग के चलते आपको बाहर होते हुए दिख सकते हैं। अभी डाउटफुल है, कंफर्म अभी बीसीसीआई ने नहीं किया है, लेकिन आपको बता दूं कि 34 ओवर की गेंदबाजी दूसरी पारी में, 18 ओवर की गेंदबाजी पहली पारी में, 3 विकेट पहली पारी में, 2 विकेट दूसरी पारी में, 87 रन की पारी पहले इनिंग में खेली। तो आप कह सकते हैं कि पूरा मैच अगर देखें तो बहुत मेहनत किया उन्होंने 4 दिन तक, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। लेकिन उसके बाद स्ट्रेन हैमस्ट्रिंग बताया जा रहा है यहाँ पे, और ज्यादा दिक्कत नहीं है, फर्स्ट स्टेज ही है। अगर थोड़ा सा और ज्यादा होता तो कह सकते हैं और दिक्कतों में आ सकते थे, यानी अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला अगर वो खेलते हैं तो वहां पे और दिक्कतों में आ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है कि शायद वो बाहर बैठे और उनकी जगह कुलदीप यादव को या किसी और को हो सकता है कि शायद मौका मिलता हुआ नजर आए वहां पे। रविंद्र जडेजा विशाखापट्टनम में बाहर आपको दिख सकते हैं, हो सकता है कि शायद कुलदीप यादव आ जाए उनकी जगह, 3 स्पिनर के साथ टीम इंडिया जाए, या तो हो सकता है कि कोई एक बल्लेबाज रजत पाटीदार को एज अ प्रॉपर बैटर वहां पे जगह मिले और नीचे अक्षर पटेल और आपको अश्विन ही होते हुए देखेंगे। लेकिन पहले मुकाबले की अगर बात करें तो जडेजा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था और कल टीम इंडिया उड़ेगी भी विशाखापट्टनम के लिए, वाइजक के लिए, लेकिन हो सकता है कि वहां पे आपको एनसीए के लिए उड़ान भरते हुए नजर आए रविंद्र जडेजा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यही है कि शायद वो दूसरे टेस्ट मुकाबले में बाहर हो सकते हैं। हैमस्ट्रिंग की दिक्कत है, मेन कारण यही है और कुछ ज्यादा वैसे है नहीं। और पहले मुकाबले में अगर खेले हैं तो दूसरा मुकाबला बाहर अगर बैठते हैं तो तीसरे मुकाबले में हो सकता है कि शायद वो वापस भी आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कोई इंजरी नहीं है, इतना कोई बड़ा हो हल्ला नहीं है। लेकिन दिक्कत भारतीय टीम के लिए यह है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग से भी आपकी टीम के लिए, बॉलिंग से भी आपकी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था, वो अब टीम इंडिया से हो सकता है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।